ओके ठीक है, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा था, अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी कि एटॉमिक वेट। तो उन्होंने जो अरेंज किया था यानी कि किसके आधार पे किया था, यानी कि एटॉमिक वेट के बाद। हमने कहा कि कुछ समय के बाद ना हर कोई चीज यानी कि जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे करती है, यानी कि रिपीट करती है। यही बात को यानी कि डिमिट्रिव ने कहा, मेंडेलिव ओरिजिनल टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 वर्टिकल कॉलम एंड 6 पीरियड। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है, सर किसको याद रखे कि कौन ग्रुप होता है कौन पीरियड होता है। मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा, आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, मैं यहाँ पे इसको लिखता हूँ। आप लोग इसको जी कहते हो, ठीक है, ऐसे जी लिखते हो। मैं इसको yes, थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, यानी कि जो ग्रुप होगा वो कैसा होगा, ऐसे वाले होंगे, यानी कि जो वर्टिकल कॉलम होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि ग्रुप कहते हैं। पीरियड यानी कि जो है क्या होता है, पीट पीट के हम क्या करते हैं उसको फुला देते हैं, यानी कि कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। पीट पीट के हम लोग क्या करेंगे, किसी भी इंसान को सुला देते हैं, यानी कि वो कैसा होता है, यानी किस प्रकार से होता है। खैर, आपको अगर ये दो पता है, मुझे पता है कि एक ऐसा होता है एक ऐसा होता है। अगर आप जी को ऐसे लिख देते हो तो यानी कि आपको पता लग जाएगा जो ग्रुप होंगे यानी कि इस प्रकार से होंगे। ध्यान रखना, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, लेकिन चांसेस अब बहुत कम है कि आपके पास कितने वर्टिकल कॉलम होते हैं, 8 वर्टिकल कॉलम होते हैं एंड 6 पीरियड होते हैं। पीरियड किसे कहते हैं, ये पीरियड है और ये जो है यानी कि क्या है, ग्रुप है, ठीक है। आपको मैं यहाँ पे डायग्राम के साथ बना देता हूँ, आपको याद रहे कि आप भूलना नहीं, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड है तो बताना चाहेंगे, इस तरह से जो होगा वो क्या होगा, ग्रुप। हाँ ठीक है, वेरी गुड। और ग्रुप कितने हैं, 7 ग्रुप, ग्रुप पीरियड 7 है बेटा, 18, ओके थैंक यू, 18 होते हैं, ठीक है। अब यानी कि जो है ये क्या होता है, यानी कि जो है हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियड कहते हैं। क्या आप लोगों को याद रहेगा, जी से आप लोग सिंपली जब भी कभी कंफ्यूजन होता है ना, मैं छोटी छोटी बातें बताता हूँ इसलिए ताकि कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। मैं बता रहा हूँ जो यानी कि क्या होता है ना, बच्चे भूल जाते हैं कई बार, कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे मैं कहूंगा कि आप पीरियोडिक टेबल में देख के बताओ कि जो है कौन से सिक्स ग्रुप में और फोर्थ पीरियड में कौन सा एलिमेंट है, तो आप लोग कैसे देखोगे, यानी कि जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो खैर, हम लोग यानी कि आप याद रखना कि ग्रुप ऐसा होता है और पीरियड कैसा होता है, यानी किस प्रकार से होता है। ग्रुप में जी होता है, जी नीचे की डायरेक्शन में एरो बनते हैं, तो जी नीचे की ओर बनता है, इसका मतलब एरो नीचे की ओर होगा, यानी कि इस प्रकार से जो डायरेक्शन होगा ग्रुप होगा। पीरियड में हम लोग पीट पीट के उसको सुला देते हैं यानी कि लेटा देते हैं, तो यानी कि कैसा हो जाता है, यानी कि जो है हॉरिजॉन्टल हो जाता है, ओके। अब देखो, ये जो है यानी कि पीरियोडिक टेबल है, इसमें बहुत सारी चीजें बताने के लिए है, लेकिन मैं बहुत सारांश में आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखो, यानी कि आप देखो, वैसे तो सबसे पहले तो दो ग्रुप में बांटे गए हैं, देखो ए एंड बी, आप लोग को दिख रहा होगा कि हमारे पास ए एंड बी। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया ना, वो प्रॉपर्टी के आधार पे किया, और उन्होंने देखा कि किसको ए में रखना चाहिए, उनकी जो जिनकी प्रॉपर्टी मैच कर रही थी उनको ए ग्रुप में रख दिया, यानी कि हर एक पीरियड को उसने क्या करा, दो दो आठ में डिवाइड कर दिया। लेकिन अब देखो, यहाँ पे उन्होंने ये हाइड्राइड और ये जो है ना ऑक्साइड के फॉर्म में यानी कि कंपाउंड बनाया था। अब हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, आप लोगों को मॉलिक्यूल्स बनाने आता होगा, आप लोग क्या करते होंगे, जैसे कोई भी, मैं जैसे यहाँ पे ले लेता हूँ सोडियम के लिए, सोडियम एंड ऑक्सीजन का मैं रिएक्शन करा रहा हूँ, तो कुछ जो भी हो इसकी वैलेंसी लिख देना, वैलेंसी इसकी कितनी होती है 1 और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 2। आप लोगों को वैलेंसी निकालने आता है, यस सर, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हो कि आउटर मोस्ट सेल में अगर जितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर 1 और 2 है तब तो वैलेंसी सेम हो जाएगी, 1, 2, 3 जनरली हम लोग जो है फोर्थ लग ले लेते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि 1, 2, 3 है तो यानी कि क्या हो जाएगा, वही सेम वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन 4 या 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो तो आप 8 में से माइनस कर देना, तो यहाँ पे 6 है आउटरमोस्ट सेल में, यानी कि इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि जो है 8 - 6 यानी कि 2 हो जाएगा। मैं किसी क्लास में आपको वैलेंस इसी पीरियोडिक टेबल में बताऊंगा, जब मेरे पास लास्ट में 10 मिनट समय बचेगा तो मैं बिल्कुल बता दूंगा। अब देखो, इसको क्या कर देना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, ठीक है। तो यानी कि जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, N2O। अब देखो, इन्होंने कहा कि एलिमेंट को मैं R ले लेता हूँ, यानी कि R2O बन गया, देखो यही फॉर्मूला बना। उसी तरीके से अगर मैं बेरिलियम के साथ कराऊं तो बेरिलियम और ऑक्सीजन, बेरिलियम का भी 2 और इसका भी 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि बेरिलियम 1 और इसका भी 1। हमने इसको क्या करा, बेरिलियम की जगह R लिख दिया,
और इसकी जगह ऑक्सीजन लिख दिया, यानी कि इसी प्रकार से सभी का इन्होंने क्या करा, यानी कि जो है उनका वैलेंसी लिखा और यानी कि क्या करा उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करता है तो कटा देना, जैसे R2O3 के लिए। अब R2O3 के लिए यानी कि कितना हो जाएगा कि देखो अगर जब मैं यहाँ पे बात करूं कि आपके पास यानी कि बोरोन है तो बोरोन की वैलेंसी 3 है, ऑक्सीजन की 2 है, तो यानी कि यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यानी कि कितना हो जाएगा B2O3। इसी प्रकार से उन्होंने क्या करा, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाया और उनकी प्रॉपर्टीज बनाई। ठीक है, नीलम कुछ पूछ रहे थे? ओके ठीक है, यानी कि इस प्रकार से उन्होंने क्या करा, हाइड्राइड एंड ऑक्साइड का बनाया। फिर उनके पास देखो तो कितने यानी कि ये जो होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस डायरेक्शन में जो होता है यानी कि क्या होता है, ग्रुप होता है, और इस डायरेक्शन में जो होता है यानी कि क्या होता है, यानी कि जो है पीरियड होता है। ओके, आप इसको याद रखना, देखो कितने ग्रुप है, यानी कि यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि टोटल ग्रुप कितने हैं, एक मैंने कहा भी था ग्रुप कितने होते हैं, यानी कि जो है 8 होते हैं। ठीक है, अब देखो यानी कि पीरियड, पीरियड कितने हैं, देखो यानी कि 1 2 3 4 5 6 यानी कि कितने पीरियड है, यानी कि जो है 6 पीरियड है। हमने जो है यहाँ पे कहा भी था यानी कि कितने पीरियड होंगे, यानी कि 6 पीरियड होंगे एंड 8 वर्टिकल कॉलम हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कहा। दूसरी बात, यहाँ से पीरियडिक टेबल में देखो एल्युमिनियम के नीचे इन्होंने गैप छोड़ दिया है जो कि बाद में यानी कि क्या हो गया, यानी कि जो फिल हो गया। इन्होंने जो मेंडलीव की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी ना वो यही थी, अगर जब मैं बताऊं, गुड इवनिंग आशुतोष, अगर जब मैं कहूं कि सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी वो किसकी थी, यही बात थी। खुद सोचो कि मैं कह दूं कि ये लड़का जो है यानी कि 2000 यानी कि जो है 24 का जब रिजल्ट आएगा तो ये लड़का जो है IIT में होगा और वो सच में है, यानी कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी, यानी कि मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया। खैर, उन्होंने ये तो प्रिडिक्ट कर दिया, साथ में मार्क्स भी प्रिडिक्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है कि मैं कहूं कि चलो ठीक है उनको लगा होगा कि यहाँ पे इसका है, लेकिन उन्होंने ये भी प्रिडिक्ट कर दिया कि इसका मार्क्स कितना होगा, ये बहुत बड़ी बात थी। ये आपको लोग नहीं बताएंगे क्योंकि खुद सोचो कि ठीक है उन्होंने ये तो लगा होगा कि चलो इसके बीच में गैप है तो हो सकता है कि कोई एलिमेंट हो, लेकिन उस समय उसने उसकी मास को प्रिडिक्ट कर दिया, ये बहुत बड़ी बात थी। तो जो एल्युमिनियम और सिलिकॉन का था, कहा कि इसके नीचे जो आएगा ना तो उसको एका एल्युमिनियम कहेंगे। एका एल्युमिनियम का मतलब क्या होता है कि ये एल्युमिनियम के जस्ट नीचे आ रहा है, इसके ऊपर क्या है, एल्युमिनियम है। एका का मतलब होता है फर्स्ट, संस्कृत वर्ड है, तो एका का मतलब क्या होता है, यानी कि फर्स्ट, यानी कि एका का मतलब होता है फर्स्ट, यानी कि एका एल्युमिनियम यानी कि होगा, यानी कि यहाँ पे जो भी आएगा एलिमेंट उसको हम लोग क्या कहेंगे, एका एल्युमिनियम, और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, एका सिलिकॉन। बाद में यानी कि गैलियम और यहाँ पे क्या आ गया, जर्मेनियम जो है यानी कि आ गया, यानी कि जैसे बाद में डेवलप्ड हुआ तो यानी कि जो है एल्युमिनियम की जगह पे क्या आ गया, यानी कि गैलियम आ गया, और सिलिकॉन की जगह पे क्या आ गया, जर्मेनियम आ गया। इस प्रकार से यानी कि जो है इनका क्या हो गया, बाद में जो है यानी कि डेवलपमेंट हो गया। ठीक है, दूसरी बात, इनमें कुछ डिमेरिट भी थी। देखो यहाँ पे कि मास को इन्होंने आधार लिया तो कोबाल्ट को बाद में लिखना चाहिए था, निकेल को पहले लिखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। ठीक है, दूसरी देखो यहाँ पे लिमिटेशन, उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी जो गोल्ड और सिल्वर की प्रॉपर्टी है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि इस ग्रुप से, यानी कि वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि उनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, फिर भी इन्होंने इस ग्रुप में यानी कि क्या कर दिया, यानी कि रख दिया है। लेकिन ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पूरे के पूरे एलिमेंट को यानी कि क्या कर दिया था, यानी कि जो है क्लासिफाई कर दिया था, इन्होंने जितने भी थे उस समय के अनुसार से इनके पास करीब करीब 60 के आसपास एलिमेंट थे सबको इन्होंने, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने जिस समय तक जितने एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे सभी के सभी एलिमेंट को क्या कर दिया था, यानी कि जो है उन्होंने जो अरेंज कर दिया था। तो इनकी मेरिट क्या क्या होगी, खुद सोचो कि इनकी मेरिट ये हुई कि इन्होंने प्रिडिक्ट कर लिया कि कौन से एलिमेंट होंगे और उसका मास भी बता दे, ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरा, इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे किया और इन्होंने सारे एलिमेंट को अरेंज कर दिया। ठीक है, तीसरा, इन्होंने जो है यानी कि कहा कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी बता दिया कि इसकी, जैसे मान लो हाइड्रोजन, जैसे सपोज करो हाइड्रोजन तो अभी भी एक्सेप्शन है, हमारे आज के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी एक्सेप्शन है। इन्होंने क्या कहा कि लिथियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल पोटासियम की जैसे होगी, पोटासियम की प्रॉपर्टी बिल्कुल रुबिडियम की जैसे होगी, रुबिडियम की प्रॉपर्टी यानी कि बिल्कुल कैसे हो जाएगी, सीजियम की जैसे हो जाएगी। इन्होंने ये सारी बातें इन्होंने कही जिसके कारण से आज भी हम लोग इसको क्या कहते हैं, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव को, यानी कि जो है फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कहा जाता है।
यानी कि क्या क्या मेरिट थी, ही अरेंज द ऑल नोन एलिमेंट, यानी कि ये ऐसे साइंटिस्ट थे, पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने यानी कि क्या करा था कि सभी के सभी एलिमेंट को यानी कि क्या कर दिया था, यानी कि जो है अरेंज कर दिया था. ही लेफ्ट गैप फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. इन्होंने क्या करा कि जैसे देखो कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं एल्यूमिनियम के नीचे, उन्होंने बाद में पहले क्या लिखा, ईका एल्यूमिनियम लिखा. ईका का मतलब क्या होता है संस्कृत में, एल्यूमिनियम. ठीक है, इन्होंने क्या लिखा, ईका एल्यूमिनियम. और यानी कि सिलिकन की जगह पे नीचे में क्या लिखा, यानी कि ईका सिलिकन. ठीक है, ईका का मतलब होता है फर्स्ट सिलिकन. और बाद में यानी कि क्या हो गया, यहाँ पे जो एलिमेंट डिस्कवर्ड हुआ यानी कि उसका क्या नाम हुआ, गैलियम. और यहाँ पे यानी कि क्या हो गया, जो डिस्कवर्ड होके यानी कि नाम लिखाया गया, जर्मेनियम. ठीक है, खुद सोचो, आप ही लोग सोचो कि आप लोग ये प्रिडिक्ट कर देते हो कि सर मेरा जो है यानी कि इस बार जो है यानी कि केमिस्ट्री में 98 नंबर आएगा 100 में से, तो यानी कि कितना ज्यादा प्रिडिक्ट कर रहा है. और वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इस संडे को आप लोगों का पेपर है, मेजर पेपर है, तो आप लोग आज भी से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी छोटी तैयारी आपको एक बड़े मुकाम पे लेके जाएगी. ठीक है, तो आप लोग प्लीज सभी लोग अभी से तैयारी करना शुरू कीजिए, एक अच्छा नंबर लाओगे तो आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ हम लोग भी यानी कि कर सकते हैं. तो अभी से छोटा छोटा एफर्ट जो है यानी कि आपको एक बड़ी मंजिल की ओर ले जाएगा. प्लीज इग्नोर मत करना, आप लोग सभी के सभी पेपर देना जरूर, क्योंकि आपकी रियल में पता लगेगा कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा. खैर देखो, मेरा काम है बताना, लेकिन फिर भी आप अपने तरफ से जितना ज्यादा एफर्ट डालोगे तो आप उतना ज्यादा सीखोगे. जीतने की जिद है तो आपको कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अगर से जीतने की जिद नहीं है तो फिर आपके लिए जो है यानी कि दिक्कत हो जाएगा. ओके, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी एक अच्छे नंबर लाने का प्रयास करना, तो इसलिए अभी आपके पास 3 दिन है. ओके सर. हाँ, तो आप लोग जो है यानी कि बिल्कुल मेहनत करना. ठीक है, चलिए. तो यानी कि इस प्रकार से यानी कि उन्होंने क्या करा, जो गैप था उनकी जगह पे यानी कि क्या करा, बाद में यानी कि जो एल्युमिनियम जो एल्युमिनियम की जगह गैलियम रखा गया, सिलिकन की जगह यानी कि जर्मेनियम रखा गया. ईका का मतलब होता है फर्स्ट, फर्स्ट उसके यानी कि इससे पहले क्या है, एल्युमिनियम है. ईका का मतलब, सिलिकन का मतलब हो गया इससे पहले यानी कि क्या है, सिलिकन ग्रुप है, यानी कि बाद में. और इन्होंने महज भी प्रिडिक्ट कर दिया, तो मेरे को बहुत अच्छी बात लगी. मैं एक बार पढ़ रहा था तो यानी कि कई बार मैंने सोचा कि यार ये कैसे इन्होंने पॉसिबल किया कि जिसके बारे में कुछ पता नहीं है उसका ये चीज मास कैसे प्रिडिक्ट कर दिया, जो कि बहुत बड़ी अच्छी बात थी उनके लिए इन्होंने. फिर ठीक है, प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट. और उनकी चलो प्रॉपर्टी तो मैंने समझा कि चलो उसके नीचे है, तो यानी कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर हो जाएगी, लेकिन मास प्रिडिक्ट करना वो काफी ज्यादा है. तो यानी कि इस कारण से उनकी जो मास, उन्होंने जैसे कि प्रिडिक्ट किया था 68 और 69.5 के करीब करीब जो यानी कि उनका मास आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात थी उनके लिए. ही लेफ्ट द ग्रुप फॉर नोबेल गैस. और इन्होंने क्या करा था, वैसे तो मैं कहूं तो नोबेल गैस के लिए इन्होंने कोई गैप तो नहीं छोड़ा था. हाँ, लेकिन इन्होंने ये जरूर किया था कि लास्ट में यानी कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी चीज नया होगा तो उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ये इन्होंने कहा था. बाद में नोबेल गैस आया तो उसको नोबेल गैस के रूप में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. तो ये सारे इसकी क्या थी, मेरिट थी. डिमेरिट क्या थी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट द आइसोटोप. इनके सामने जो सबसे बड़ी समस्या आ गई ना बेटा, यही आइसोटोप इनको लेके डूब गया. अगर इनके सामने आइसोटोप्स की प्रॉब्लम नहीं आती ना, तो ये आज भी हम लोग यही वाला प्रिडिक्ट लेवल पढ़ रहे होते. क्या दिक्कत आई, देखो मैं बताता हूँ कि आइसोटोप्स को मैंने आप लोगों को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बताया था, शायद आप लोगों को याद है कि नहीं याद है. आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, बोलिए. आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, हाँ, जिसके अंदर यानी कि क्या हो जाए, यानी कि जो है आइसो का मतलब सेम है, यानी कि एटॉमिक नंबर जिसका सेम हो. ठीक है, यानी कि आइसोटोप्स का मतलब क्या हो गया, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो. जैसे मैंने कहा था कि हाइड्रोजन है 1 1, और यानी कि यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे 2, और ये H और ये 3, ये तीनों के तीनों हाइड्रोजन के आइसोटोप है, प्रोटोनियम ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम. आइसोटोप्स का मतलब मैंने कहा था जिसके अंदर प्रोटॉन सेम हो, प्रोटॉन का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, यानी कि जिसके अंदर क्या हो, यानी कि एटॉमिक नंबर यानी कि जो सेम हो. ओके, अब यानी कि खुद सोचो कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, कार्बन के 2 है, ऑक्सीजन के 2 है, क्लोरीन के 2 है,
यानी कि इस प्रकार से अगर जब मैं सबके लिए मास के आधार पर लिखता तो मुझे तीन लिखना चाहिए था। खुद सोचिए कि हाइड्रोजन वन के लिए लिखना चाहिए था, फिर दो के लिए लिखना चाहिए था, तीन के लिए, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इनसे जब साइंटिस्ट ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, इनके पास कोई जवाब नहीं था। इन्होंने उस समय जो है बिल्कुल भी कुछ नहीं बातें कही, उनके लिए जो है इनके पास कोई भी जवाब नहीं था। तो जिस कारण से उन्होंने जो है यानी कि क्या करा था, इनको जो है यानी कि इसी प्रकार से यानी कि क्या कर दिया, रहने दे दिया। ओके, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो है ये सारी बातें उन्होंने कही थी। फिर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज भी हमारे लिए बहुत अच्छा, ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट। इन्होंने जैसे क्या किया था कि अगर जो दिखाऊं कि यहाँ पे देखो यानी कि सिल्वर और गोल्ड को यानी कि एक ही साथ यानी कि क्या कर दिया था, इन्होंने पुट कर दिया था, जबकि इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो बिल्कुल क्या थी, यानी कि जो डिफरेंट थी। ओके, यानी कि इस प्रकार से ये सारी बातें इनकी थी। तो उन्होंने इस बार प्रिडिक्ट द प्रॉपर्टी ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट, यानी कि पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन। आज भी मैं बता रहा हूँ कि हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की बहुत बड़ी दिक्कत है कि कहाँ पे रखे, यानी कि हाइड्रोजन को ग्रुप वन में रखे कि ग्रुप सेवन में रखे, यानी कि हैलोजन वाले ग्रुप में। ये आज भी हमारे लिए बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। फिर एनामोलस पेयर, यानी कि एनामोलस पेयर का मतलब होता है कि जैसे मास के आधार पर रखना चाहिए था, तो मास के आधार पर इन्होंने नहीं रखा। और इन्होंने किसके आधार पर, देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि इसको अगर आप लोगों को रखना चाहिए था 58 पॉइंट इधर रखना चाहिए था निकेल को, और इसको क्या रखना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया और इन्होंने जो ये सारी जो है क्या कर दी थी, गलती कर दी थी। ओके, अब याद रखना कि हेनरी मोसली एक्सरे यानी कि जो है उन्होंने यूज किया और इसके आधार पे यानी कि क्या करा, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक नंबर। हेनरी मोसले को ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का फादर कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल का जो जनक कहा जाता है या फादर कहा जाता है, वो कहा जाता है दिमित्री मेंडलीव, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो फादर कहा जाता है वो हेनरी मोसले को कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या करा कि फ्रीक्वेंसी लिया, एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, एफ यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी, और जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर। वेरी गुड, थैंक यू नीलम, एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या करा, फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी का रूट लिया और इसकी यानी कि जेड के अनुसार से उन्होंने देखा, इन्होंने देखा कि बिल्कुल सारे की सारी जो एलिमेंट है बिल्कुल अरेंज हो गया। ओके, ठीक है, यानी कि इन्होंने क्या करा कि इस प्रकार से यानी कि क्या करा, फ्रीक्वेंसी के आधार से यानी कि क्या करा कि इन्होंने अंडर रूट फ्रीक्वेंसी लिखा, तो देखा कि जो फ्रीक्वेंसी है वो जेड के प्रोपोर्शनली आ रहा है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। यानी कि इस प्रकार से यानी कि उन्होंने देखा और फिर उन्होंने कहा कि मैं एटॉमिक नंबर के हिसाब से यानी कि क्या बनाऊंगा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाऊंगा। और इन्होंने जो है वर्क करना शुरू कर दिया और इन्होंने जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का यानी कि क्या कर लिया, यानी कि जो है पूरा का पूरा ले लिया। तो कोई एक क्वेश्चन आया था तो आप लोग इस देखो बिल्कुल सिमिलर सा क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर वार, यानी कि कौन सा आंसर सही होगा। हमने इसका पूरा नाम हेनरी मोसले रखा है, देखो यहाँ पे यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, वेरी गुड, सभी ने आंसर भी सही दे दिया है, बी। ओके, ठीक है, अब देखो यानी कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। अब हम लोग यानी कि जो बात करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। पहले जो हमने कहा था वो एटॉमिक मास पे कहा था, अब कहता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ इट्स एटॉमिक नंबर। पहले मास पे था, अब किस पे आ गया, यानी कि एटॉमिक नंबर पे आ गया। एटॉमिक नंबर से जैसे इन्होंने रखा तो इनकी सारी की जो आइसोटोप प्रॉब्लम थी, जो एनामलस बिहेवियर था, और जो यानी कि सिमिलर डिसिमिलर एटम को एक ही ग्रुप में रख दिए थे, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, यानी कि जो है खत्म हो गई। द वर्टिकल कॉलम इन अ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप। जैसे मैंने आपको कहा था कि वर्टिकल कॉलम यानी कि जो है ये आप इसको जो है इस प्रकार से यानी कि क्या कहोगे, यानी कि जो ग्रुप कहोगे। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग, मैं नीचे की डायरेक्शन में बना देता हूँ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। और इस डायरेक्शन में चलते हैं तो यानी कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि पीरियड कहते हैं। 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप आर फाउंड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। यानी कि जो आपके पीरियोडिक टेबल है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड्स हैं
एंड 18 ग्रुप्स है। अब आप लोगों को मन में आता होगा कि सर हम कभी भूल जाते कि पीरियड कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, आप लोग भूल जाते हैं, बोलिए कुछ तो बोलिए। मैं आप लोगों की याद कराने का एक टेक्निक बताता हूँ ताकि कि आप लोग जो इसको याद रख सकते हो। तो पीरियड वर्टिकल में ग्रुप होते हैं, हाँ, और हॉरिजन मैंने कहा ना जी लिख लेना, हॉरिजॉन्टल में पीरियड होते हैं। क्या बोले सर? हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में पीरियड होते हैं। हाँ, आपको बस ये जी याद रखना है। जी कैसा है, नीचे के डायरेक्शन में एरो है, यानी कि इसको हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि ग्रुप कहेंगे। और ऐसे मार मार के पीट पीट के हमने इसको सुला दिया तो यानी कि इसको क्या कहेंगे, यानी कि पीरियड कहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखो पीरियड में कितने वर्ड है, काउंट कीजिए। सेवन, यानी कि पीरियड कितना होगा, सेवन। सेवन यानी कि आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि पीरियड में सेवन वर्ड है, यानी कि इसके अंदर कितने हो जाएंगे, सेवन हो जाएंगे। अब देखो ग्रुप में 1 2 3 4 5 6, यानी कि ग्रुप में कितने वर्ड है, 6, यानी इसका 3 टाइम्स कर दोगे यानी कि मल्टीपल्स होगा, यानी कि 6 3 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि याद रख सकते हो। छोटी सी बात है, आपको ये याद रह जाएगा 7 पीरियड है तो ग्रुप भी 18 हो जाता है। जनरली हम लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये मैंने बता दिया कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रुप सॉरी पीरियड 7 होते हैं, ग्रुप 18 होते हैं। आप लोगों को इसको याद भी रखना है, कई बार पूछा जा चुका है आप लोगों को इस प्रकार से। अब हम लोग यानी कि बात करते हैं एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, यानी कि क्या क्या एडवांटेज है। द पोजिशन ऑफ एलिमेंट आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आप लोगों को मैंने बताया है। देखोगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मैं आप लोगों को सारे एलिमेंट का जो है टेक्निक बताऊंगा। आज की क्लास में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन वो कल की क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कैसे आप मैक्सिमम एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल को याद रख सकोगे। आपको मैं बता भी दूंगा कि कैसे आप लोग यानी कि जो यूज करोगे जिससे आप एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हो। मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा जिससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो काफी हद तक जो है यानी कि कम हो जाएगी। द पोजिशन ऑफ एलिमेंट आर लिंक्ड विद देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, यानी कि जो उनकी पोजिशन थी ना वो किसके आधार पे दी गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। इसी कारण से हाइड्रोजन को आज भी फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाता है, 1s1 होता है, इसीलिए हम उसको कहां रखते हैं, ग्रुप फर्स्ट में रखते हैं। वन पोजिशन फॉर ऑल द आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट, इन्होंने क्या करा कि कहा कि आप जो है यानी कि क्या यूज करो, एटॉमिक नंबर यूज करो, और जब एटॉमिक नंबर यूज किया तो एटॉमिक मास, यानी कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट मास आ रहे थे, एटॉमिक नंबर तो सेम था, मास नंबर जिनका डिफरेंट था, वो सारी प्रॉब्लम भी यानी कि क्या हो गई, सॉल्व हो गई। इच ग्रुप इन एन इंडिपेंडेंट ग्रुप एंड आइडिया ऑफ सब ग्रुप हैज बीन डिस्कार्डेड, जैसे मैंने कहा था कि मेंडलिक ने ए बी ग्रुप करके करा था, यानी कि सब ग्रुप बनाया था, ग्रुप के अंदर सब ग्रुप बनाया था, इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने सारे की सारी चीजों को बिल्कुल एक ही ग्रुप में यानी कि क्या कर दिया, यानी कि यूज कर दिया। ठीक है, चौथा पॉइंट, द डिविजन ऑफ एलिमेंट इन टू एस पी डी एफ ब्लॉक हैज बीन क्वाइट हेल्पफुल अंडरस्टैंडिंग देयर प्रॉपर्टीज, यानी कि एस पी डी एफ को जैसे हमने यानी कि क्लासिफिकेशन किया, यानी कि हमें जो है यानी कि समझने में यानी कि क्या मिला, यानी कि जो है काफी ज्यादा जो है मदद मिली। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेज की। सबसे पहला तो मैंने कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, दूसरा लैंथेनाइट एक्टिनाइट सीरीज को उन्होंने सेपरेट करके लिख दिया है, जबकि उनको मेन पीरियोडिक टेबल में, देखो आप लोगों के पास अगर पीरियोडिक टेबल की बुक होगी तो वहां पे देखो आपके सामने पीरियोडिक टेबल में यानी कि 58 से लेके 58 से लेके 101 और 90 से लेके जो है यानी कि कितना हो जाता है 103, यानी कि इतना तलब जो है यानी कि उन्होंने अलग अलग ग्रुप में यानी कि लिखा हुआ है, यानी कि आपको पता है कि 58 से लेके यहाँ तक हमारे पास कौन सा जाता है, यानी कि सिक्स ग्रुप वाला, यानी कि कितना हो जाएगा 13 ऐड कर दीजिए 171, और यानी कि 90 से यानी कि कितना हो जाएगा 103, यानी कि इसके लिए देखो उन्होंने अलग से ग्रुप बना के लिखा है। अभी ट्रिक बताऊंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, आपको याद हो जाएगा खुद, क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी। यानी कि इस प्रकार से इन्होंने जो है इनको क्या करा था, यानी कि बिल्कुल अलग सेपरेट करके लिख दिया, जबकि हमें तो मेन पीरियोडिक टेबल में लिखना चाहिए था। ये दोनों आज भी लिमिटेशन है, और इन दोनों पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कि कैसे इनको जो है सॉर्ट आउट किया जाए। ठीक है, अब यानी कि हाउ टू फाइंड ग्रुप एंड पीरियड, अब आपके सामने कि कैसे पता करें कि ग्रुप कैसे होता है एंड पीरियड कैसे होता है।
आप सभी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने आता है? यस बोलिए। ओके ठीक है, अब हम यानी कि मैं पहले जो निकालता हूं फर्स्ट केस 4S ब्लॉक, यानी कि मैं जो निकालने जा रहा हूं एस ब्लॉक के लिए जा रहा हूं, यानी कि ग्रुप एंड पीरियड। सबसे पहले मैं लिख देता हूं कि ग्रुप किसे कहते हैं, पीरियड किसे कहते हैं, ठीक है, ताकि कि आप लोगों को फिर जो हम लोग बात करेंगे ग्रुप, ठीक है। अब देखो यानी कि ग्रुप, यानी कि आपको पता है कि ग्रुप का मतलब क्या हो गया, यानी कि जो है हमारे पास वर्टिकल कॉलम, ठीक है, वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, ठीक है। अब अगर जो आपको पीरियड पूछा जाए, वर्टिकल कॉलम कैसे पता करोगे, लास्ट यानी कि अलग अलग के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग यानी कि जो है पता करेंगे सबके लिए, एस के लिए अलग फॉर्मूला होता है, पी के लिए अलग होता है। पीरियड की हम बात करें, मैं यहां पे लिख देता हूं पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल हो जाता है, हॉरिजॉन्टल कॉलम या रो, ठीक है। इसको पता करने के लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो, जिसकी हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू हो, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, ठीक है, यानी कि जिसकी भी हो। जैसे मैं यहां पे बात करने जा रहा हूं 4S ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है, ध्यान से सुनना, आप लोगों को खुद पता लग जाएगा, वैसे तो बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम यहां पे क्या करेंगे, यानी कि ग्रुप और पीरियड निकालेंगे, ठीक है, आपके पास पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप है, कौन सा यानी कि जो पीरियड है, यानी कि एस ग्रुप है, पी ग्रुप है कि डी ग्रुप है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि सिंपली आप चाहो तो जिस सेल में यानी कि इलेक्ट्रॉन फील हो रहा है, यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इन फील्ड ऑफ सेल, यानी कि सिंपली देखो किस में हो रहा है। जैसे मैं कहूं एस ब्लॉक ले, बहुत ही आसान सा चीज है, आप देखो कि अगर जब एस में आ रहा है तो यानी कि वो कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, जिस सेल में यानी कि या एसपीडीएफ में से जिस यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, जैसे एस में आ रहा है तो यानी कि ये कौन सा यानी कि ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि जो है हमारे पास पी एस ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ से ब्लॉक तो यानी कि हम लोग पता कर लेंगे, यानी कि ब्लॉक कौन सा हो जाएगा, एस ब्लॉक, ठीक है। अब पीरियड पता करना है, तो पीरियड के लिए यानी कि मैक्सिमम क्वांटम नंबर की वैल्यू देखना, फिर आपको यानी कि हमें क्या पता करना होगा, ग्रुप, तो ग्रुप के लिए आपको बहुत ही सिंपल है, अगर एस ब्लॉक है तो यानी कि आप क्या करना, एन एस वन दो तरह के बनेंगे, क्योंकि एस में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, एन एस वन एंड एन एस टू। देखो यहां से अगर मैं कहूं, एक एग्जाम्पल भी दूंगा अभी थोड़ा देर के लिए, मान लो कि यहाँ पे आपके पास जो एन है ना, ये क्या बताएगा, पीरियड बताएगा, पीरियड कौन बताएगा, यानी कि ये सिर्फ हम बता रहे किसके लिए, एस ब्लॉक के लिए, ध्यान रखना, यानी कि पीरियड तो एन बता देगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी चीजें, यहाँ पे एन एस वन के लिए, ठीक है, यानी कि एन जो बताएगा वो क्या बता देगा, पीरियड बता देगा, ओके। और यानी कि आपको ये जो एस बताएगा, जो भी जिसमें इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है, वो आपको यानी कि क्या बताएगा, ब्लॉक बताएगा, ठीक है। अब यानी कि जो ग्रुप बताएगा वो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर रहा है, एस के लिए अगर जब वन इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप वन हो जाएगा, यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन है तो यानी कि इसका ग्रुप कितना हो जाएगा, लास्ट में देखना कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यानी कि अगर जब वन भरे हुए तो यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रुप वन, अगर जब टू भरा हुआ तो यानी कि क्या हो जाएगा, ग्रुप टू हो जाएगा। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, ठीक है। मैं जैसे एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग निकालिए, तब तक ग्रुप सोडियम के लिए निकालिए, 11 के लिए, ठीक है, कौन सा आ रहा है, देखिए आप लोग निकालिए इसका ग्रुप, पीरियड एंड यानी कि जो है ब्लॉक निकालिए। चलिए मैं बनाता हूं आप लोगों के लिए। मेरे पास सबसे पहले क्या करना है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, सोडियम है Na11, आप लोगों को मैंने तरीका बताया हुआ है, एस एस पब्लिक स्कूल, मेरे ख्याल से यहां तक हो जाएगा, ठीक है, 1, 2, 3, 2p, यहाँ 10 और यहाँ पे लास्ट में यानी कि 1। अब जो भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल हो रहा है उसको पकड़ो, यानी कि कितना हो जाएगा, 3s1। अब यहाँ पे मुझे बताओ
इसका पीरियड कौन सा होगा, यानी थ्री थ्री, ग्रुप कौन सा होगा यानी कि जो लास्ट ग्रुप है उसमें यानी कि वन, और ब्लॉक कौन सा होगा एस, हाँ यानी कि जो है एस हो जाएगा। ओके, यानी कि यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, यानी कि एस। उसी तरीके से मैं आप लोगों को दे देता हूं 37 के लिए, आप लोग निकालिए 37 के लिए। तो 37 के लिए आप लोगों के सामने क्या होगा बताइए। सबसे पहले मैं एक और एग्जांपल देता हूं, सबसे पहले क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है, डी पी एस और डी पी एस। मुझे पता है यहां तक काम चल जाएगा लेकिन मैंने फिर भी लिख दिया 1 2 3 4 और 5, 2P 3P 4P 3D। यहां तक आपको मैंने कहा था काउंट करने की जरूरत नहीं, यानी कि कितना हो जाएगा 3D 10, ठीक है, यानी कि कितना हो गया 30, और यानी कि 6, और यानी कि इसमें कितना हो गया, यानी कि 1 हो गया। अब देखो यानी कि जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भरेगा उसको पकड़ना, यानी कि यहाँ पे बताओ कि हमने कहा था कि जिसके मैक्सिमम वैल्यू होगी वो पीरियड हो जाएगा, ये तो यानी कि पीरियड तो फाइव, हाँ यानी कि पीरियड देखना बहुत ही आसान हो जाता है, पीरियड 5, ब्लॉक क्या हो जाएगा एस, ग्रुप यानी कि जो यानी वन इलेक्ट्रॉन भरा रहा है, यानी कि जो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग 56 के लिए निकालिए, 56 के लिए, समझ में आया या नहीं आया कि एस ब्लॉक के लिए कैसे निकालेंगे? यस सर। ओके ठीक है, आप लोग इसका जरूर आंसर दीजिएगा, मैं चाहता हूं आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए ग्रुप पीरियड, बहुत आसान सा चीज है। क्या कह रहे हो वंस? नंबर क्या था मतलब समझे नहीं, 56 56 लिखा ना मैंने, 56 के लिए इसके लिए बनाइए। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, फिर यानी कि जो है इसको बनाइए। फिर मैं पी बताऊंगा, फिर डी बताऊंगा, फिर एफ बताऊंगा, फिर नॉमिनिक्लेचर बताऊंगा। सर निकाल लिया। ओके चलिए मैं बना देता हूँ, आप लोगों ने सभी ने निकाल लिया होगा। मैं इसके लिए देखो एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर कहाँ पे जाते हैं डीपीएस, डीपीएस। मुझे पता है वैसे तो कि यहीं पे भरा आएगा, यहाँ पे 6S2 होता है, ठीक है, आप लोगों को भी पता होगा शायद। देखो 1 2 3, क्योंकि मैंने इसको याद रखने के लिए कहा था, 4 5 और यानी कि 6, 2P 3P 4P 5P 3D एंड 4D, ये 20 होता है, यहाँ पे 56 हो जाता है। हम सीधे सीधे कह सकते थे यानी कि पीरियड कितना हो जाएगा 6, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कितना बन रहा है 2, यानी कि जो 2, और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा यानी कि S2, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है, आप लोग देखोगे तो बीच बीच में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा नहीं होती है। जब ये आपके मेजर टेस्ट होंगे तो उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। आप लोगों ने एस ब्लॉक के लिए निकालना सीख लिया, किन्हीं को कोई दिक्कत बताइए? नो सर। ठीक है, नहीं है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि निकाल सकते हैं। अब यानी कि 4, यानी कि हम किसके लिए निकालेंगे, पी ब्लॉक, 4P ब्लॉक, ठीक है, हम लोग यानी किसके लिए निकालेंगे, 4P ब्लॉक के लिए। अब देखो पी ब्लॉक के लिए पीरियड भी तो यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी, जिसकी ज्यादा होगी उसी को पीरियड कह दोगे। ग्रुप इस बार निकालने के लिए याद रखना, ब्लॉक तो आप आसानी से निकाल लोगे जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भराता है। ग्रुप के लिए मैं बताता हूं कि ग्रुप के लिए आपको क्या करना है, यानी कि 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल, प्रेजेंट इन पी ऑर्बिटल। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिसमें भरा आएगा उसी का ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि कहीं भी यानी कि
जो भी अगर जो आपके पीरियड जो ब्लॉक ग्रुप निकलेंगे हमेशा उसका निकलता है जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन जिसमें फिल हो रहा है। जैसे मैं आप लोगों को दे देता हूं, कौन सा एलिमेंट दे दूं, 36 का निकालिए आप लोग, ठीक है, यानी 36 एलिमेंट का जो है यानी कि क्या कीजिएगा आप लोग निकालिए, फटाफट से निकालिए। दूसरा आप लोग 55 का निकालिए। अच्छा मैं पहला बना देता हूं, आप लोगों के मन में जो है कंफ्यूजन होगा कि सर कैसे यूज करना है, तो यहां देखिए एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है, डी पी, मेरे को पता है यहां तक हो जाएगा, आप लोग भी कैलकुलेशन कर सकते हो, देखो 20 10 30 10 36 यानी कि जो है 2 3 4 और यहाँ पे 2p 3p 4p 6 आ रहा है, तो यानी कि अब पीरियड तो कितना हो जाएगा, यानी कि जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि कितना हो गया 4, ग्रुप कौन सा हो जाएगा, तो ग्रुप निकालने के लिए कहा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 12 प्लस 6 यानी कि कितना हो जाएगा 18, तो यानी इसका ग्रुप देखो यानी कि नोबेल गैस है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसका निकाल लेंगे। फिर देखो यानी कि आपको ब्लॉक पूछा है, तो ब्लॉक तो बहुत ही आसान है, पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहा है यानी कि क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। आप लोग 55 के लिए बनाइए, वेरी गुड सुमन। सिक्स पीरियड और सर ग्रुप ग्रुप 13 और एस ब्लॉक। ओके कौन सा ब्लॉक आया सर? एस ब्लॉक, एस ब्लॉक आ गया 55। ओके पी ब्लॉक ठीक है, यानी कि देखते हैं, क्या पता मैंने भी कई बार जोड़ने में गलत कर देता हूँ, तो मैं एक्चुअली क्या करता हूँ ऊपर वाले में जो है जोड़ देता हूँ, तो इस प्रकार से कई बार जो गलती हो जाती है। अब देखो जैसे मैं निकालता हूँ, सबसे पहले एस एस पी एस पी एस डी पी एस डी पी एस, ये ऐसी ब्लॉक होगा मेरे ख्याल से 56 होता है ना, यानी कि 1 2 3 4 और यानी कि कितना हो जाएगा ये 5 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2p 3p 4p एंड 5p। ओके अब यहाँ पे 3d और ये 4d, मुझे यहाँ मतलब पता है 20 होता है, 20 10 30 30 और यानी कि 8 38 38 10 48 48 और 8 यानी कि 56, यानी सही कह रहे हो यार, मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया, यानी कि इसका जो है यानी कि क्या आ जाएगा हमारे पास, मैं दे देता हूँ पीरियड 6 और यानी कि जो है ग्रुप कौन सा हो जाएगा 1 में और यानी कि ब्लॉक कौन सा हो जाएगा यानी कि एस ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है एक और क्वेश्चन ले लीजिए, ग्रुप 13 नहीं होगा क्या चीज सर? ग्रुप 13 नहीं होगा ये लास्ट इलेक्ट्रॉन के अनुसार से, अगर जब पी में नहीं है तो हम क्यों निकालेंगे, ये पी में आ रहा है क्या, जो लास्ट में मैंने कहा कि अगर जब पी ब्लॉक में आएगा तब ये पी ब्लॉक का फॉर्मूला लगाना ग्रुप निकालने के लिए, ये तो एस ब्लॉक में आया यानी कि एस ब्लॉक का ना फॉर्मूला लगाओ बेटा। यस सर। ओके ठीक है, अब आप लोगों को मैं एक बुक से देख लेता हूँ कौन सा दे दूं आप लोगों को, 35 दे देता हूँ, नेक्स्ट पेज पे मैंने जो है 35 दे दिया, फटाफट से बनाना 35 और एक और दे देता हूँ यानी कि एस्टेटिनियम दे देता हूँ 85, आप लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी यानी कि हो जाएगा। ठीक है यानी कि इस प्रकार से आप लोग निकालिए। ब्लॉक पी ब्लॉक फोर्थ पीरियड निकाल लिया। ओके वेरी गुड, क्या निकाला सर? फोर्थ पीरियड और पी ब्लॉक है सर और ग्रुप 17। ओके वेरी गुड, ठीक है चलिए, तो यानी कि सबसे पहले हम तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल डीपीएस, मेरे को पता है इतना काम चल जाएगा 30 36, ठीक है 1 2 3
फोर और यानी कि 2p 3p 4p 3d, यहाँ तक 20 होता है और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे 30 यानी कि 35, यानी कि आपके पास क्या आ गया 4p5 आ गया। अगर p में आ रहा है तब p वाला लगाना, अगर जब s में आ रहा है तो यानी कि क्या लगाओगे s वाला। यहाँ पे पीरियड तो कौन सा हो गया फोर्थ, ग्रुप कौन सा है पीरियड p ब्लॉक में बना रहे थे यानी कि 12 + 5 यानी कि कितना हो जाएगा 17, और यानी कि आपका ब्लॉक कौन सा हो जाएगा यानी कि p ब्लॉक हो जाएगा। ओके किन्हीं को वेरी गुड, सबका सही आंसर है। आप लोग बताइए यानी कि 85 का मैं बना देता हूं, यानी कि आपके पास यानी कि क्या हो जाएगा s s p पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, थोड़ा सा दूर कर देता हूं, ठीक है फिर मैं लिख देता हूं d p s d p s यानी कि 56 हो जाएगा, और 56 यानी कि f d p s 56 70 80 85, ठीक है यहां तक हो जाएगा 1 2 3 4 और यानी कि कितना हो जाएगा 5 6 7 2p 3p 4p 5p 6p, ठीक है। अब यानी कि हमारे पास क्या बच गया डी 3d 4d 5d एंड 4f, यहां तक मुझे पता है यानी कि 56 होता है यानी कि कितना हो जाएगा 70 10 80, और यहां पे यानी कि कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसको हटा दे रहा हूं, यानी 6p5 के लिए लिखना है। यानी कि पीरियड तो क्या हो गया सिक्स, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा 12 + 5 यानी कि कितना हो जाएगा 17, और यानी कि आपसे ब्लॉक पूछा है तो ब्लॉक कौन सा हो जाएगा पी ब्लॉक। क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है? तो इस तरह से क्वेश्चन अगर एस ब्लॉक पी ब्लॉक का, बस आपको फॉर्मूले याद रखना है। एस के लिए देखना कि लास्ट में ऊपर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 है तो यानी ग्रुप 1, 2 है तो, क्योंकि आपको पीरियड और ब्लॉक निकालना बिल्कुल भी कभी दिक्कत नहीं आता, बहुत सबके लिए सेम है। सिर्फ और सिर्फ यानी कि किसमें दिक्कत आती है यानी कि जो है आप लोगों को इसमें आएगी, ठीक है। अब चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए यानी कि किसके लिए निकालना सिखाता हूँ, 4d ब्लॉक के लिए, 4d ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी पीरियड एंड ब्लॉक तो आपको समझ में आ गया, यानी कि जो है आप क्या कर सकते हो यानी कि आसानी से देख के बता सकते हो यानी कि किसके अंदर यानी कि ये सारी चीजें हैं। ओके अब देखो जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूं कि ग्रुप के लिए, पीरियड तो फिर से वैसे ही सेम टू सेम है, यानी कि ग्रुप निकालने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे यानी कि अब यहाँ पे क्या करना 2 + number of electron in d block, यानी कि हम लोग क्या करेंगे यानी कि कितना आउटरमोस्ट में है उस चीज को हम लोग क्या कहेंगे, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ 21 स्केडियम होता है, यानी कि 21 निकालने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस एस पब्लिक स्कूल और यहाँ पे जो है डी। अब देखो यानी कि कितना हो गया मेरे पास 1 2 3 4 2p और 3p और ये कितना हो जाएगा 3d, तो यहाँ पे मुझे पता है 20 होता है तो 3d1। अब देखो 3d1 वेरी गुड आपने निकाले तो वेरी गुड, यानी कि यहाँ से पीरियड कितना हो जाएगा और 3, यानी कि पीरियड कितना है सॉरी पीरियड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन होता है, ठीक है यानी कि कितना हो जाएगा यानी कि पीरियड 4 हो जाएगा, ठीक है जितना मैक्सिमम वैल्यू होगा यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है यानी कि 4 हो जाता है, ठीक है। अब देखो यानी कि कितना हो जाएगा कि ग्रुप ग्रुप कौन सा हो जाएगा 2 + number of electron यानी कि जो है थर्ड ग्रुप, ठीक है यानी कि जो है ग्रुप कितना हो गया 2 + 1 electron in यानी कि कितना हो जाएगा 3rd, और यानी कि जो ब्लॉक है वो कितना हो जाएगा यानी कि आप लोगों के लिए ब्लॉक कितना हो जाएगा डी ब्लॉक। क्या आप लोगों को समझ में आया? यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट आगे बनाए आप लोगों के लिए क्वेश्चन देता हूँ 72 के लिए, मैं बड़े बड़े इसलिए दे रहा हूँ ताकि कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी रिवाइज हो जाए, तो आप लोग 72 के लिए बनाइए, फिर एक्सेप्शन का भी बताना है मुझे कि एक्सेप्शन आ जाएगा तो क्या करेंगे। जैसे मान लो क्रोमियम का पूछ दिया जाए कि बताओ तब तो आपको या कोई एक्सेप्शन आ गया तो कैसे निकालोगे, क्रोमियम मोलिब्डेनम कॉपर तो इन सब का भी अभी मैं बताऊंगा, हमारे पास 7 मिनट बचे हैं, मेरे को 7 मिनट में यानी कि एफ ब्लॉक भी बताना है एक्सेप्शन भी बताना है और नॉन न्यूक्लियर का प्रयास करेंगे यानी कि जो है
निकाल लिया। ओके वेरी गुड, ठीक है चलिए। अब यानी कि हमारे पास यानी कि क्या है, आप लोगों ने सबसे पहले देखो, आप लोगों को मैंने कहा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर जगह जरूरत पड़ेगी, अब मैंने सिखा दिया है हर जगह आप लोगों को यूज करना चाहिए, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, एस एस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, ठीक है, डीपीएस, डीपीएस कहोगे सर परसों बताए और आज यूज कर रहे हो, ठीक है, एफ डी यानी कि 70 10 80, ठीक है, यहाँ इतना हो जाएगा। अब यानी कि 1 2 3 4 5 6, अब यानी कि जो है कुछ तो नहीं बचा, नहीं 2P 3P 4P 5P, और यानी कि कितना हो गया, और कुछ नहीं है, 3D 4D 5D 4, मुझे यहां तक पता है कितना होता है। देखो मैं कितना फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ आप ही लोगों के सामने, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि जो है आप लोगों को यानी कि इस प्रकार से बता रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों के सामने यानी कि मैं देखो फटाफट से कर रहा हूँ, क्योंकि विदिन बहुत ही कम समय के अंदर जो हम लोग निकाल रहे हैं, यानी 70 हो जाएगा ये, और डी 10 यानी कि डी में कितना हो गया 70 और यानी कि 2, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से। अब देखो यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू होती है पीरियड की एन की, वही हो जाएगा, तो पीरियड कौन सा हो जाएगा 6, और यानी कि ब्लॉक कौन सा हो जाएगा डी ब्लॉक, और यानी कि ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा, यानी कि डी के लिए हम लोग क्या करते हैं 2+ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जितना डी में होगा, यानी कि 2+2 यानी कि कितना हो जाएगा 4, यानी कि इस प्रकार से, हाँ यानी कि इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, यानी कि जो है निकाल सकते हो। किन्हीं को बताओ ग्रुप पीरियड में यानी कि एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक के लिए निकालने में कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ओके, किन्हीं को मन में अगर लग रहा हो कि सर मेरे को ये ना पॉइंट समझ में आया तो आप लोग, हाँ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 4F ब्लॉक निकाल देता हूँ, या यही अलग पेज से निकाल देता हूँ 4F ब्लॉक। देखो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, इसको पता करने के लिए आपको अगर जब पढ़ोगे तो कहा जाता है कि आप इसको सारे एलिमेंट को याद रख लो। अब मैं आप लोगों को कहूँ, ओके ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फिर से, जस्ट मैं F ब्लॉक ले लेता हूँ, फिर चारों के चारों ब्लॉक के लिए जो है, क्योंकि मेरे पास उतना समय तो है नहीं कि मैं नॉमिनेचर बताऊं, तो कल की क्लास में नॉमिनेचर की बात करेंगे। मैं अगर कहूं एफ ब्लॉक के लिए, आपको कहीं भी पढ़ लेना, कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड है ये, मैं ये बता रहा हूं। लेकिन मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप उस छोटी सी बात का यूज करके आप इसका यूज कर सकते हो, यानी कि कौन सा, यानी कि जो है, खैर आप लोगों को ये तो पता है कि इसका जो ग्रुप होता है ना वो हमेशा 3 होता है, कंफर्म होगा ये हमेशा, जब भी एफ ब्लॉक होगा ना तो यानी कि इसका ग्रुप कौन सा हो जाता है, यानी कि जो है 3 हो जाता है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, यानी कि जो है ग्रुप हमेशा यानी कि क्या हो जाता है, यानी कि जो है 3 हो जाता है, आप रीडिंग टेबल में देख लेना, यानी कि जो है वहां पे भी ग्रुप 3 दिया हुआ है, ठीक है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड में। अब यहाँ पे आपको पीरियड भी आपको पता लग जाएगा, अभी मैं जस्ट बताऊंगा, लेकिन आपको यानी कि कैसे पता करना कि कौन सा पीरियड है और कौन सा क्या है, ठीक है। चलिए आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि कौन यानी कि एफ ब्लॉक में लाई करेगा और कौन नहीं करेगा, एक तो तरीका ये है। दूसरा आपको याद रखना है 5890, ठीक है, यानी कि कितना रखना है 5890, क्या इसको एक बार रिमेम्बर करने का प्रयास करना, यानी कि 58+13 कर दो, अगर जो इनके बीच में यानी कि कितना हो गया, यानी कि 8 3 11 यानी कि 7, अगर 58 से 71 में दिखे यानी कि ये कौन सा हो जाएगा, यानी कि आपका 6 पीरियड हो जाएगा, ठीक है, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, यानी कि 3 हो जाएगा, ग्रुप तो हमेशा हमने क्या कहा कि सेम रहता है, और यानी कि आपको ब्लॉक यानी कि 58 से 7 में दिखे तो यानी कि कौन सा ब्लॉक हो जाएगा, एफ ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। और 90 में भी आप क्या ऐड करो 13, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके पास यानी कि 14 एलिमेंट होते हैं, हमने ये वाला तो एलिमेंट ले लिया, इसीलिए यानी कि हम कितना यूज करते हैं इतना है, ये जो होगा यानी कि 92 100 03, ये 7th पीरियड हो जाएगा, और यानी कि कौन सा ग्रुप हो जाएगा 3, और ये कौन सा हो जाएगा ब्लॉक। क्या आपको ये बात याद रहेगी, अगर जो आपके पास अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रकार से निकाल सकते हो, किन्हीं के मन में कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। अब हमारे पास यानी कि क्वेश्चन आएगा, जब मान लो कि मेरे को दे दिया जाए क्रोमियम का,
क्रोमियम में क्या यूज करोगे? क्रोमियम का हम जनरल अगर लिखते तो यानी कि एस एस पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल और यानी कि डी वन टू थ्री सॉरी यहाँ टू छूट गया है वन टू थ्री और यानी कि कितना हो जाएगा एस एस पब्लिक स्कूल यानी कि पब्लिक स्कूल और टू पी थ्री पी और यानी कि कितना हो जाएगा थ्री डी। अब ये 20 होता है क्रोमियम यानी कि 4 होता है तो यानी कि कितना हो जाएगा क्रोमियम 24 होता है तो यानी कि कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको ध्यान रखना कि अगर जब भी एक्सेप्शन वाले केस आ जाए ये तो एक्सेप्शन वाला केस है क्रोमियम का वैसे अगर लिखू तो यानी कि कितना होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6 और 4s2 और यानी कि सॉरी 4s1 और 3d5 होता। मैं अगर इसके अनुसार से लिखूं तो यानी कि क्या हो जाता है यानी कि पीरियड 4 हो जाता ठीक है। ग्रुप लिखता तो यानी कि कितना हो जाता यानी कि जो है एस डी में तो यानी कि 6 हो जाता। ब्लॉक कौन सा हो जाता यानी कि डी हो जाता। लेकिन मैं अगर इसके अनुसार से लिखूं यानी कि लास्ट इलेक्ट्रॉन तो डी में भरा रहा है यानी कि यहाँ पे पीरियड तो 4 ही होगा कोई दिक्कत नहीं है। ग्रुप अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 2 यानी कि कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा गलत है। आपको क्या करना कि जब भी एक्सेप्शन वाला केस आए तो आप सिंपली क्या करना कि जो पहले लिखते थे यानी कि रियलिटी में यानी कि जो पहले आप बिना उसको एक्साइटेशन स्टेट लाए से वही वाला जो है बिल्कुल क्या करना बिल्कुल सही माना जितने भी एक्सेप्शन आए आप बिना कुछ किए सीधे सीधे उसको क्या कहना कि बिना एक्सेप्शन वाले जो होंगे आंसर वही क्या हो जाएंगे बिल्कुल सही हो जाएंगे ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे रखता हूँ और अगर जो किन्हीं के मन में कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं।